लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जीती रहो बेटी, भगवान हमेशा सुखी रखे। दीवान जी, जी आज रात का खाना आप सब हमारे साथ खाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। दादाजी दादाजी हम मुनि और शंकर भैया के घर पे खेलने जाएं? हाँ बेटे जाइए जरूर। लक्ष्मी बच्चों को लेके घर जाओ। चलो बच्चों। दीवान जी, जी वो हर साल की तरह आपने आज? जी हाँ महाराज, हर साल की तरह मिठाइयाँ अनाज रुपया सब गरीबों में बांट दिया। नमस्ते बहन जी। चलो दीवान जी। जी हमारी तबीयत आज फिर कुछ? डॉक्टर साहब आते ही होंगे महाराज। तुम्हें यहां किसने बुलाया? महाराज बहुत दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए, इसलिए सोचा कि मैं आपके चरण छूकर मतलब की बात करो। वीर प्रताप। दीवान जी आप जरा। दीवान जी यहीं रहेंगे। क्षमा करना महाराज, आप ही की शिक्षा है कि मालिकों की बातचीत के दौरान नौकरों का होना उचित नहीं। हम समझते हैं वीर प्रताप सिंह तुम क्या बात करने आए हो, लेकिन हमारा फैसला अटल है। यही तो अफसोस की बात है महाराज कि आप जैसे इंसाफ पसंद महाराज के हाथों इतनी बड़ी नाइंसाफी हो कैसे गई। आपने अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी। अब माना कि हम आपके अपने बेटे न सही, लेकिन आपके भाई के बेटे तो हैं। घूम फिर के हमारी रगों में भी तो आप ही का खून दौड़ रहा है महाराज। लेकिन तुमने उस खून की कभी कोई इज्जत नहीं की। अपने काले करतूतों से तुमने हमारे ठाकुर खानदान के नाम पर जो बदनामी का दाग लगाया है उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे गंदे कारनामों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हें अपने जिस्म का एक सड़ा हुआ हिस्सा समझकर काट फेंकी। तुम्हें अब यहां से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम जा सकते हो, गेट आउट। ऐसे ऐसे महाराज ऐसे आप दिल के मरीज हैं। ऊंचा बोलेंगे तो ये बूढ़ा कमजोर पेड़ लुढ़क जाएगा, और अभी तो हमें इस पेड़ से बहुत सारे फल खाने हैं। हालांकि आपने तमाम फल एक एक करके अपने पोते राजकुमार अनिल के नाम वसीयतनामे में लिख दिए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? आपके उस वसीयतनामे के जरिए। मतलब? मतलब ये कि आपका वो वसीयतनामा इस वक्त आपकी तिजोरी में नहीं बल्कि इस खाकसार की जेब में रखा हुआ है। नमूना पेश करूं, ये रहा, आइए देख लीजिए। इस पे दस्तखत आप ही के हैं या किसी और के हैं? ये क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ राजकुमार के नाम का वसीयतनामा जला रहा हूं महाराज। वीर प्रताप सिंह। आस्ते महाराज आस्ते, आप दिल के मरीज हैं, आपको ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। आराम से बैठिए और मेरी बात गौर से सुनिए। आपके बेटे और आपकी बहू की कार एक्सीडेंट के मौत के बाद इस तमाम जायदाद और खजाने के अब दो ही वारिस बचे हैं। कौन? एक आपका पोता
राजकुमार अनिल प्रताप और दूसरे हम ठाकुर वीर प्रताप। ये मत भूलो वीर प्रताप कि हम अभी जिंदा हैं। जानता हूं महाराज, लेकिन दिल के मरीज की सांस रुकने में वक्त ही कितना लगता है। तुम्हारा मतलब? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो है जो आप नहीं समझ रहे हैं। हमारा मतलब है कि आपका पोता, उस बेचारे की जान ही कितनी है, मच्छरों मक्खी की तरह। तो क्या तुम हमारे पोते की जान लेना चाहते हो? हम जान क्यों लेंगे, हम तो वो नक्शा लेंगे जो करोड़ों के खजाने का रास्ता बताता है। खजाने का रास्ता? वो जवाहरात, वो हीरे, वो मोती। अरे आपके माथे पे तो अभी से मोती चमकने लगे। हे हे, पहले हम इन्हें तो जरा समेट लें, थोड़ी देर बाद आके समेटते हैं। ओह डॉक्टर साहब आप? यस सॉरी, महाराज के इंजेक्शन का वक्त हो गया। हाँ, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप हमारे महाराज की इतनी जिम्मेदारी से देखभाल कर रहे हैं। भगवान इनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। वैसे डॉक्टर साहब, चेकअप करने में 10-1 मिनट तो लग जाएंगे? यस ओनली 10 मिनट्स। अच्छा तो महाराज, मैं 10 मिनट बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कम डॉक्टर साहब, आप चेकअप 2 मिनट बाद कीजिए, मुझे महाराज से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन इंजेक्शन? लेकिन नहीं, आप प्लीज बाद में आइए प्लीज। दीवान जी, सुना आपने? मैंने सब सुन लिया है महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप हमारे पोते को लेकर कहीं दूर निकल जाइए। महाराज मैं वचन देता हूँ, अपनी जान पर खेल कर राजकुमार की हिफाजत करूंगा। हमें पूरा भरोसा है, और आप ये खजाने का नक्शा भी ले लीजिए। वीर प्रताप के आने से पहले आप राजकुमार को लेकर भाग जाइए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी दौलत का सही इस्तेमाल होगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा महाराज। डॉक्टर साहब जी, चेकअप हो गया? नहीं दीवान जी, महाराज से अंदर कोई जरूरी बात कर रहे थे। क्या दीवान जी अंदर हैं? जी। ओह नो, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, दीवान महाराज, दीवान जी गए महाराज। और कहीं लॉकेट, दीवान, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बात है? हा? आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो राजकुमार की जान खतरे में है, उन्हें लेकर हमें यहाँ से फौरन निकलना है। बच्चे कहाँ हैं? वो बाहर खेल रहे हैं। तुम उन्हें जल्दी से तैयार करो। अच्छा, और तुम भी तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं अभी आया। मुन्नी, शंकर, जल्दी से आ जाओ। नहीं हम लोग खेल रहे हैं। बाद में खेलना, जल्दी आ जाओ। राजकुमार, इस लॉकेट को सदा पहने रखिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे महाराज यानी आपके दादाजी का आशीर्वाद है आपके लिए। अच्छा। शंकर बेटे, इस लॉकेट को तुम भी सदा पहने रखना। अच्छा पिताजी। लेकिन ये सब क्या? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पिताजी हमारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए हम जो हैं बेटे। चलो आओ बेटे, चलो जल्दी चलो। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, ए, ये तुम्हारे दीवान कहाँ है? मालूम नहीं। बोल कहाँ है? नदी किनारे। हाँ? नदी किनारे। नदी किनारे? दीवान सरदारी लाल, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर के आने से पहले हम उस ट्रॉली में बैठ कर नदी पार कर लेते हैं। ठाकुर साहब वो देखिए,
तुम शंकर को लेके जाओ। मैं राजकुमार को लेके आता हूं। चलिए राजकुमार आओ। मुन्नी अच्छा पकाती हूँ। कितनी बार कहा हर वक्त तारीफें मत किया कीजिए। क्यों? झूठी लगती हैं। मैं ये प्लेटें साफ करके आती हूँ, आप तरह डब्बों में सामान। सुनिए सुनिए जल्दी आइए ना इधर। क्या बात है भाई? देखिए देखिए पानी में बच्ची है। मैं देखता हूँ। अरे इसकी तो सांस चल रही है। हाँ? तो फिर इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते। ठीक है तुम इसे उठाओ जब तक मैं कार लेके आता हूँ। आप जल्दी से कार लेके आइए। ये तेरा कैसा अन्याय है भगवान? सब कुछ खत्म कर दिया, पति छीन लिया, बेटी बिछड़ गई, सब सब कुछ। जय भोलेनाथ। शंकर भैया तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें अभी इसी वक्त घर पे बुलाए। माँ माँ, अरे ओह, उस दूसरे दिलों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कहता था कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा नहीं बोलता तो तू इस तरह भागा भागा कैसे आता? मैंने तुझे खास काम के लिए बुलाया है। क्या माँ? लड़की के पिता है, तेरा रिश्ता पक्का कर। अरे नहीं माँ। भागता कहाँ है? मेरा कान तो छोड़ माँ। अच्छा, चल अंदर चल। चलता हूँ बाबा चलता हूँ। पंडित जी ये है मेरा शंकर। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटे। नमस्ते महोदय। जीते रहो बेटे। क्यों दीनदयाल जी, है ना लड़का लाखों में? लड़का मुझे पसंद है बहन जी। अब जरा इसकी कुंडली पंडित जी को दिखा दीजिए। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। हम भी अभी आए। माँ, अरे माँ तू ये क्या कर रही है? हमारी बात तो सुनो। अरे माँ हमारी बात तो सुनो। अरे बहुत तेरी सुन ली। हाँ अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, समझा? माँ अरे अरे तू लीजिए पंडित जी। शिव जी महाराज मेरी कुंडली मत मिलाना।
बहन जी, ये कुंडली तो आपने किसी कन्या की दे दी मुझे। ओ, ये शंकर की बहन की कुंडली होगी, लेकिन वो इस दुनिया में कहाँ। मैं आपको शंकर की कुंडली लाके देती हूँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, इस कन्या को कुछ नहीं हो सकता, ये कन्या तो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है पंडित जी? पंडित जी, क्या आपको पूरा विश्वास है? फिर से देखिए ना अच्छी तरह। अब ये मुझे बताइए कि 4 वर्ष की आयु में इस बच्चे को पानी से कष्ट हुआ था? हाँ हाँ पंडित जी। लेकिन ग्रहों के हिसाब से जान का कोई डर नहीं। क्या ये सच है पंडित जी? सच। मैं तो ये भी बता देता हूँ कि वो दक्षिण दिशा के किसी बहुत बड़े शहर में बहुत बड़े घर में पल रही है। अगर हमारा कहना झूठ हो तो हम पंडिताई छोड़ देंगे बेटे। इसका मतलब है मेरी बेटी जिंदा है, तुम्हारी बहन जिंदा है शंकर। भगवान भगवान, क्या मेरी बेटी जिंदा है? मुझे मेरी बेटी से मिला दो। अरे माँ, हम मिलाएंगे। हाँ, अगर मेरी बहन जिंदा है तो हमारे अनिल भैया भी जिंदा होंगे। मैं उन्हें शहर में जाकर ढूंढूंगा, उन्हें शहर में जाकर ढूंढूंगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटे, कुंडली तो देते जाओ। मोदी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं सोचता, मैं शहर जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ। सुनो बेटे, सुनो सुनो शंकर। अरे माँ, तू चिंता मत कर, हम शहर जाकर उस शैतान को ढूंढेंगे जिसने हमारे पिताजी की हत्या की थी। और शिव जी की सौगंध, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तू उसे पहचानेगा कैसे? अरे माँ, पहचानूंगा कैसे नहीं, तूने तो कहा था मेरी बहन के बाएं कंधे पर एक काला निशान है। हाँ बेटे, एक गोल काला निशान है, और उस वक्त तेरे अनिल भैया के गले में एक लॉकेट भी था। लॉकेट? हाँ, मैं अभी तुझे देती हूँ, ठहर। ये देख बेटे, तू इसे पहन ले, शायद ये लॉकेट देख के तुझे पहचान ले। नहीं, क्या हुआ राजा उस्ताद? फिर वही आज सपना देखा क्या? हाँ। कमाल है यार, तू एक ही सपना रोज कैसे देख लेता है? सपना नहीं यार, कुछ धुंधली सी बिखरी सी तस्वीरों के टुकड़े हैं। समझ में नहीं आता कि पूरी तस्वीर क्या हो, क्यों बार बार मेरे दिमाग को नोचते रहते हैं। अरे सपने सपने होते हैं राजा उस्ताद, सो जाओ सो जाओ। सपने तो मियां सपने ही होते हैं। राजा, तुम्हारा नाम है? न दुआ ना सलाम, सीधा नाम। क्या काम है? तुम्हें ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने बुलाया है। ठाकुर वीर प्रताप सिंह, ठीक है, उनसे कह दो राजा कल आएगा। ठाकुर साहब का हुक्म ताला नहीं जा सकता राजा, तुम्हें अभी और इसी वक्त लेकर जाएंगे। जाना पड़ेगा? सीधे से नहीं चलोगे तो खटिया से बांध के ले जाएंगे। हाँ, तब तो जाना ही पड़ेगा। चले खटिया वहां से। अरे बाहर वाले रस्सी लाना। अभी ला रहा है। चल इधर, चल, चलो लेटो लेटो। राजा उस्ताद रस्सी बांधो, जल्दी करो, उठाओ, चलो। ये सब क्या है? हमने तो तुम्हें राजा लाने को कहा था। राजा भी हाजिर है ठाकुर साहब। ये सब तुमने? कुछ बदतमीजी पे उतर आए थे, इसलिए थोड़ी सी तमीज सिखानी पड़ी। हाँ, ये लीजिए इनका रिवॉल्वर। ऐसे पिल्ले पालेंगे ठाकुर साहब तो किसी दिन आपकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया और मसेरी में बड़ा फर्क होता है राजा, और जब से हम पैदा हुए हैं हमेशा सोने की मसेरी पे सोते आए हैं, और तुम तो जानते हो सोना कितना वजनी होता है, उसे उठाने के लिए इन बाजुओं में ताकत चाहिए।
है ना? मेरा ख्याल है आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था। आ, 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 बैठो राजा। आज लंदन की फ्लाइट से एक बहुत ही कीमती हीरा बंबई लाया जा रहा है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये खबर पुलिस तक पहुंच चुकी है। शायद इसीलिए आपने राजा को याद किया है। एग्जैक्टली। और ये है उस हीरा लाने वाले की तस्वीर, हमारा बेटा सूरज प्रताप सिंह। और हाँ, ये रहा तुम्हारा एडवांस। लेकिन वो मुझे पहचानेगा कैसे? उसके लिए पहचान होगी तुम्हारे हाथों में लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता। ओके, यू कैन गो। थैंक यू। मिस्टर सूरज प्रताप। हेलो। मुझे राजा कहते हैं। अरे भाई, सफर कैसा रहा? सफर बहुत मजे में रहा दोस्त, बहुत मजे में रहा सफर। सिगार? अरे भाई, हमें नहीं पिलाओगे? ओह श्योर श्योर। हाँ, बहुत बढ़िया सिगार है। हाँ, चलिए इसी से सुलगा लेते हैं। ये लीजिए, वो तुम्हारे पीछे काला सूट पहने आदमी खड़ा है, हाथ में मैगजीन लिए, सीआईडी का आदमी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चलें। अरे क्या कर रहे हैं आप? जी एक ही बात है, चलिए आइए। आइए। नहीं, आप चलिए, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं। ओके। क्या बात है इंस्पेक्टर? चेकिंग हो रही है। कैसी चेकिंग? स्मगलिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। ड्राइवर, गाड़ी उधर लगाओ। मोटरसाइकिल रोको। राजा, मोटरसाइकिल इधर लगाओ, चेकिंग हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, 10 नंबरी राजा नो एंट्री का बाजा बजाकर भाग गया। सर, मोटरसाइकिल है या हवाई जहाज? गाय 840 कैसा गाय? भरा ना? भरा है। अरे चाचा चाची कैसी है? नाथ को देना और उनसे कहना कि जाते समय मुझसे मिल के जाएं। सलाम साहब। सलाम। वो माफ कीजिए, 2 मिनट देर हो गई, वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी। अच्छा सर। सलाम साहब। हीरे कहाँ हैं? हीरे? कौन से हीरे साहब? हमें बेवकूफ मत समझो, तुम ट्रैफिक तोड़कर ऐसे ही नहीं भागे। हमें देखकर नो एंट्री में घुस जाने का मतलब साफ है, हीरे तुम्हारे पास हैं। निकालो हीरे। अरे साहब, आप तो खाली पीली हमसे नाराज होते हो। अरे माना हमने ट्रैफिक तोड़ा, माना हम नो एंट्री में घुस गए, लेकिन हम करते क्या साहब? आपने 10 नंबरी का मेडल जो दे रखा है,
अगर हम 6 बजे टाइम के अंदर यहाँ नहीं पहुंचते तो आप बिना किसी जुर्म के हमको अंदर कर देते। और साहब आपके पुलिस स्टेशन में हमें एक 10 नंबरी है जो टाइम का पाबंद है। हाँ तुम किस किस चीज के पाबंद हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हवलदार। यस सर। इसकी तलाशी लो। अभी लेता हूं। सच सच बताओ तुमने हीरे कहां छुपा रखे? मैंने हिलो मत। अरे ये क्या 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 कर रहे हो? हिलो मत। जूते खोलो। जूता? मैंने कहा जूते खोलो। साहब आप भी कैसी बातें करते हैं साहब। अरे हीरे जैसी चीज को जूते में थोड़ी रखता है। आप एक कमाल का। अरे बाप रे बाप। अरे साहब ऐसा हथौड़े जैसा हाथ अगर इस थोपड़ी पे पड़ जाता ना तो। जूते खोलता है या नहीं? खोलता हूँ साहब थोड़ा आराम से। साहब एक मिनट आराम से खोलता हूँ साहब खोलता हूँ। जूता। सर इसमें तो कुछ नहीं निकला। अरे अब तो तसल्ली हो गई ना साहब। और तो कुछ नहीं खोला ना साहब। मैं जाऊं साहब? डैम इट। आपकी अमानत। इसमें हीरा नहीं है राजा। हम जानते हैं पुलिस रजिस्टर में तुम्हारा नाम 10 नंबरियों में है। तुम्हें एयरपोर्ट सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि पुलिस की नजर तुम पर हो और हमारा हीरा आसानी से बाहर आ जाए। और वही हुआ। आप खूब सोचते हैं ठाकुर साहब। सचमुच ऐसा ही हुआ। लेकिन तुम्हें तुम्हारी मजदूरी जरूर मिलेगी। हीरा हमारा बेटा लेकर आते ही होगा। डैडी। हाय डैड। माय सन। कैसे हो? ओके सब फर्स्ट क्लास। डैडी ये लीजिए आपका हीरा। ओह वेरी फाइन। हीरा कहाँ है? डैडी हीरा तो कहाँ है? हीरा मेरे पास है ठाकुर साहब। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? मिस्टर सूरज प्रताप सिंह आपने कस्टम में जब सिगार सुलगाया और मुस्कुराए तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि असली हीरा उसी में है। आपने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए वो सिगार मेरी जेब में डाला। इसलिए ठाकुर साहब एक बात याद रखिए, धोखा खाना या धोखा देना राजा को बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, अब राजा कभी आपका काम नहीं करेगा। रुको। ठहरो राजा। पहली मुलाकात सिर्फ जान पहचान के लिए होती है। अब हमें तुम्हारी काबिलियत का पता चल गया है। आइंदा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ भी मौजूद हो? जय हो जय हो। ये तेरे बाप की जगह तू यहाँ सो रहा था? अरे भाई सो नहीं रहा था, भोलेनाथ जी को प्रणाम कर रहा था। अरे तो वहां जाके करो ना प्रणाम। अरे धक्का क्यों मारता है? ठीक पड़ गया।
अरे अरे बाप रे, हे भगवान हे भगवान, ये कैसा शहर है, इतना शोर, ये हमारी बात कौन सुनेगा प्रभु। हमारा तो बस तू ही तू है, बस जल्दी से हमारा काम हो जाए और हम गांव वापस चले जाएं। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे हमारी पोटली, चोर! अरे कहाँ भागते हैं? अरे चोर, पकड़ो उसको। अरे अरे पीछे को ले, मुझको नहीं, पीछे वाले को। साइकिल 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 पे माइकिल, माइकिल पे साइकिल, साइकिल पे माइकिल, छोटी छोटी। अबे दिखते नहीं क्या? अरे इधर हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। नीचे आओ।
मेरी पतलून पतलून कोई बात नहीं पतलून पकड़ कर रखना छोड़ना नहीं मुझे नहीं छोड़ना मुझे नहीं छोड़ना अब बच गया अरे मुझे क्यों पकड़ते हो इसे पकड़ो चोरी इसने की है वो तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा जानते हो तुमने क्या किया है क्या किया है साहब ये चोरी नहीं पकड़ा था तुम्हारा अपराध चोर पकड़ना नहीं क्रिकेट मैच में हंगामा करना है ट्रैफिक तोड़ना है क्या बोला कमी है हमने कुछ नहीं तोड़ा साहब तोड़ना होता तो इस लट की सौगंध इस चोर की खोपड़ी तोड़ते मार मार कर पानी पिलाकर फिर मारते अरे क्या कर रहे हो अरे पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी अरे भैया बिना किसी वजह के हवालात में बंद कर दिए जाओगे बंद कर दिए जाएंगे तो कर दो बंद हम गांव के आदमी है ना इसलिए सब लोग हमें अपराधी ठहराते हैं इस चोर को कोई कुछ नहीं कहता इंस्पेक्टर साहब ये बेचारा लगता है कि किसी राजा तुम नोटबुक में साइन करा और जाओ यहाँ से नहीं नहीं मैं तो इतना कह रहा था कि आप तो मैं इसे यहाँ से चल इधर चलता हूँ ना भाई तुमने इसकी पोटली चुराई पोटली नहीं चुराता तो क्या करता साहब कल लगा मेरी माँ का देहांत हो गया क्या तुम्हारी माँ मर गई हाँ भाई अचानक छींक आई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई इंस्पेक्टर साहब कल से मेरी माँ की लाश शमशान घाट के बाहर पड़ी सड़ रही है वो लोग माँ की लाश को अंदर नहीं लेते कहते पैसे लाओ तब वो लोग मेरी माँ को जलाएंगे उसका अंतिम संस्कार करेंगे माँ का संस्कार करने के लिए मैंने चोरी की इंस्पेक्टर साहब मैंने चोरी की मत रो भाई ये लो पैसे चलो हम सब चलकर तेरी माँ का अंतिम संस्कार करेंगे चलिए इंस्पेक्टर साहब हवलदार साहब चलिए इसकी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए चलो मेरे बाप अरे मेरे बाप आज के जमाने में तू तो कोई महात्मा है मेरे भैया अरे ये तो कोई एक बेचारा मालूम होता है इंस्पेक्टर साहब चोरी मैंने की है मुझे अंदर ले लो चोरी तुमने की हाँ मैंने की भाई तो क्या तुम्हारी माँ नहीं मरी अरे जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ मर गई थी मैं अपनी माँ को रोज मारता हूँ इसी तरह जिंदगी गुजारता हूँ इंस्पेक्टर साहब मुझे अंदर लो ना खोल आप तुझे छोड़ूंगा झूठ बोलता है तोड़ दूंगा छोड़ दो मुझे मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे छोड़ मुझे बंद कर दो छोड़ूंगा मैं आउट माँ के बारे में ऐसी गंदी बात बोलता है तो तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा आउट साहब इसके साथ कमरे में बंद मत कीजिए अरे ये लठबाज है मेरे सर फोड़ देगा साहब किसी और कमरे में बंद कर दीजिए साहब इसको दूसरी हवालात में बंद कर दो आपका दरवाजा नहीं मेरा दरवाजा नहीं पुलिस का दरवाजा खोपड़ी हाय विजय अरे जल्दी से तैयार हो जाओ पिक्चर जाना है तुम इतने जल्दी आ गई जनाब पूरे 3 बज चुके हैं और आपको जल्दी नजर आता है 3 बज गए जी इसका मतलब पुलिस की ड्यूटी खत्म और तुम्हारी ड्यूटी शुरू ये भी कोई ब्रेक लगाने का तरीका है लॉलीपॉप खिलाने का तरीका है जाओ हम तुमसे नहीं बोलते लॉलीपॉप खा के भी बात नहीं करोगी जी नहीं सोनिया छोड़ो भी है गुस्सा अरे बाबा माफ कर दो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा अगर तुम चाहो तो मैं अपने कान भी पकड़ लेता हूँ तो पकड़ो कान और कहो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगे मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा मेरे नहीं अपने कान पकड़ो सॉरी बाबा मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा और जो तुम कहोगी वही करूंगा सच कहते हो हाँ बाबा सच कहता हूँ जरूर बनाएंगे ये भी कहो हनी मून पे कहां लेके जाओगे हनी मून
जाएंगे चांद पे जाके ऐश करेंगे शादी को अपनी कैश करेंगे जो भी कहना सच ही कहना सच ही कहना जो भी कहना लेटे रहेंगे हम प्यार किया है करते रहेंगे तुम पे हमेशा मरते रहेंगे जो भी कहना सच ही कहना जो भी कहना हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे सच के सिवा कुछ ना कहेंगे अरे हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे सच के सिवा कुछ ना कहेंगे राजा साहब खाना हाँ आ जा अंदर ला यहाँ रख दे चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं लेकिन मैं जरा हाथ धोना चाहता हूँ हाँ उधर पानी उधर इसे पकड़ो भाई हमारी एक बात मानो क्या तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर ले हाँ हाँ कर लेंगे लेकिन जो भी काम करेंगे तुम्हारे साथ ही करेंगे लेकिन तुम काम क्या करते हो अरे कोई कुछ भी करा ले हमें तो पैसे से मतलब है बस कुछ भी करा ले तुम्हारा मतलब है पैसों के लिए कोई तुम्हें चोरी करने के लिए कहेगा वो भी कर लोगे चोरी तो क्या हम तो डाका भी डाल लेंगे तो क्या तुम पैसों के लिए चोरी डकैती करते हो करनी पड़ती है बड़े भाई ये बंबई है बंबई कुछ दिन यहाँ रहोगे तो तुम भी सीख जाओगे खाना खाओ छी 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 तुम खाना खाने की बात करते हो हम इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे हम जा रहे हैं अरे भूखे प्यासे मर जाओगे इस शहर में कोई रोटी पूछने वाला नहीं मिलेगा ना मिले हम मंदिर का प्रसाद खाकर पेट भर लेंगे हाँ अरे सुनो शंकर को हाथ से मत जाने दो राजा अरे कब तक मंदिर का प्रसाद खा के अपना पेट भरता रहेगा नहीं ठाकुर साहब उसे भूल जाइए आपके कहने पे मैंने उसे बहुत पटाने की कोशिश की लेकिन वो देहाती है अखड़ है और फिर हमारे हिसाब से वो कुछ उल्टा ही सोचता है मगर धुन का पक्का है जिस काम में हाथ डालेगा उसे पूरा करके ही छोड़ेगा और हमारे काम के लिए ऐसा आदमी बहुत जरूरी है तुम एक काम करो राजा इस मामले को हम पर छोड़ दो क्षमा क्षमा कीजिए बटुआ मैम साहब अरे मैम साहब Thank you.
पिता को बटोर आ गया, जल्दी ले चलो ना। चल चल। अरे कहाँ जाता है ये? ओ साहब, साहब आपकी धोती। धोती तो है, धोती तो वहां है लेकिन तुम यहाँ है। ये बातें तेरे जहां में कहां ये रातें।
कसम तोड़ दे सनम है आ शर्म छोड़ दे धर्म न कर असम तोड़ दे न हूर हूँ मैं न तू फरिश्ता है तेरा मेरा बस एक रिश्ता ब्यूटीफुल सुंदर शर्म लाज नहीं आती सबके सामने नंगे होते हुए हैं तू औरत है या ये कौन गंवार है बाहर निकालो इसे जो हमें किसी ने छुआ तो हम कोई यहां इसका नंगा नाच देखने नहीं आए थे हम इसे भली औरत समझकर इसका बटुआ लौटाने आए थे ये ले तेरा बटुआ इसे उठाकर बाहर फेंक दो Sorry, ladies and gentlemen, please take your seat. कौन है रे तू यहाँ क्या कर रही है चल फुट यहाँ से भाग हम तो खुद सीतापुर गांव से भाग कर आए हैं हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है अरे कमाल है किसी जमाने में सीतापुर गांव की हर लड़की अपने पति के साथ सती हो जाती थी और तू उसी गांव से भाग कर आई है हाँ हमारा शराबी मामा हमें एक बूढ़े के हाथ बेच रहा था वहां हमारी इज्जत को खतरा था अरे तो यहाँ कौन सा खतरा नहीं है इसीलिए तो हम दस नंबरी के पास आए हैं ना मतलब क्या दे रहे हैं मतलब बस्ती वाले कह रहे थे कि दस नंबर मकान वाला राजा ही बेसहारों का सहारा है राजा आप ही का नाम है ना हाँ हाँ लेकिन ना तो ये राजमहल है ना कोई धर्मशाला चल फोड़ यहाँ से चल देखिए देखिए मैं आपके पैर पड़ रही हूँ अजीब बेवकूफ लड़की है अरे फालतू में गले पड़ रही है मैं गले कहाँ मैं तो आपके पांव पड़ रही हूँ चल निकल यहाँ से जाके किसी और के पैर पड़ फुट यहाँ से आ जाते हैं फालतू में तंग करने इन्हें और कोई मिलता ही नहीं देखिए देखिए इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी मुझे यहीं रहने दीजिए अरे यहाँ का रहेगी एक ही तो कमरा है तो क्या हुआ हम दोनों के लिए तो एक ही काफी है मैं तो यहीं कहीं सो जाऊंगी ये क्या कर रही है अरे लोग तुझे यहाँ देखेंगे तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा चल निकल बाहर चल बाहर हाँ बाहर अकेले अरे नहीं तो क्या मैं चलूं तेरे साथ चल निकल कैसे आदमी हो तुम खुद ही तो कह रहे थे यहाँ मेरी इज्जत को खतरा है और खुद ही एक बेसहारा परदेसी लड़की को बाहर भेजते हो मैं यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी तो तुम्हारा क्या जाएगा अरे लेकिन रोती क्यों हो तो नहीं तो क्या करूं अच्छा ठीक है आज यही सो जाना लेकिन कल सुबह जरूर चले जाना समझी लाइक का जमाना ही नहीं तुझसे कुछ नहीं कहा मैंने और देख अंदर से दरवाजा बंद कर लेना मेम साहब इन्हें होश आ गया है ये क्या घबराइए मत छोटा सा फ्रैक्चर है लेकिन हम यहाँ कैसे आप सड़क पर बेहोश पड़े थे हम उठा लाए वैसे हुआ क्या था कोई एक्सीडेंट नहीं जी एक औरत का सड़क पर बटुआ गिर गया था हमने उठा लिया वापस लौटाने के लिए उसके पीछे भागे वो होटल में घुस गई हम उसके पीछे घुस गए और जानती हैं हमने क्या देखा छी 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 इतने सारे लोगों के सामने उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए अगर हम उसे थप्पड़ न मारते तो वो पूरी नंगी हो गई होती अच्छा हाँ हम गांव के आदमी है ना हमसे देखा ना गया मेम साहब एक बात बताएं हाँ हाँ? अगर हम आपसे न मिलते तो शिव जी की सौगंध हमें शहर की हर औरत से नफरत हो गई होती कितना फर्क है आप में और उस पे एक वो बेशरम निर्लज और आप इस चार दीवारी में भी पर्दा किए हुए जैसे लज्जा की मूर्ति देवी जैसी बिल्कुल देवी जैसी ठाकुर साहब आप यूं ही तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया तुम शंकर को अपने घर ले आई हमें तुम्हारी ये चाल पसंद आई ये पाजेब ये घूंघट हम समझते हैं कि बेपर्दगी से नफरत करने वाले पर्दे की ओट से जल्दी घायल हो जाते हैं है ना खैर कहां तक कामयाबी मिली
अभी तो शुरुआत है ठाकुर साहब, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। मतलब? मैं उसका थप्पड़ अभी तक भूली नहीं, और फिर ऐसे सीधे आदमी को काबू करके आप तक पहुंचाने में वक्त तो लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा, लेकिन शालू मेरी एक बात याद रखना कि वक्त को आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को वक्त का गुलाम नहीं। मेरा मतलब समझ गए ना? जी। गुड, फिर हम चलते हैं। गुड लक। अरे सब्जी चल गई। अरे ये रानी की बच्ची, अरे ये सब क्या है? खटिया खड़ी करके रख दूंगा तुम्हारी, ये कोई लोटा रखने की जगह है? अरे गरम है। क्या हुआ, हाथ जल गया? छोड़ो मेरा हाथ, और सुनो कल से मेरा ये लुंगी कुर्ता नहीं पहनना। ये लो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया। मेम साहब, आप अंधेरे में क्यों बैठी है? ऐसे अच्छा कि आपने उजाला कर दिया। राधा कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? कुछ नहीं, पांव में मोच आ गई। अरे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधा वो छोटे टब में गर्म पानी डालकर नमक मिलाकर ले आओ। जी लाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, जरा सी मोची तो है। जरा सी बाद में ज्यादा हो जाती है, आप चिंता ना कीजिए, आपका सारा दर्द अभी निकल जाएगा। लाई जी पाओ। अब देखिए दर्द कैसे भाग जाता है। क्यों कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, गर्म पानी की तासीर ही ऐसी है। तासीर तो आपके हाथों की है, अब बस कीजिए। नहीं नहीं जरा और। नहीं नहीं अब दर्द नहीं है, अब आप जाइए आराम कीजिए। अच्छा देखिए अब क्या हुआ? कुछ आपको इस हालत में नीचे नहीं आना चाहिए था, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। हाँ लेकिन आप भी उठिएगा नहीं, कुछ देर पांव गर्म पानी में रखिए, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा हम चलते हैं। हेलो जी, मैं शालू बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं आज भी डांस नहीं कर पाऊंगी, जैसे मैं ठीक होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जी कितना फर्क है आपने और उस, एक वो निर्लज बेशरम और आप जैसे लज्जा की मूर्ति, बिल्कुल देवी जैसी। ओ थैंक गॉड यू आर ऑल राइट। मुझे खबर मिली थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ लेकिन अब ठीक हूं। गुड थैंक यू। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? हाँ हाँ आइए। अरे ये क्या किया आपने? ओह सॉरी। नेवर माइंड चलिए अब इन फूलों की तकदीर संवार दी जाए। तकदीरें इतनी आसानी से नहीं संवरती मिस्टर सूरज। हमने भी दुनिया देखी है शालू जी, तरह तरह के फूलों को करीब से देखा है, सूंघा है और फेंक दिया है, इसलिए कि कोई फूल इतना खुशबूदार नहीं मिला जो जिंदगी भर महक दे सके जैसा कि आप। दैट्स व्हाई मैं अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहता हूं, और ये है मेरी दोस्ती का पहला तोहफा। ओह तो आप चाहती हैं कि मैं अपने हाथों से आपको पहना दूं? मिस्टर सूरज मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जिस टाइप की लड़की आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। एग्जैक्टली मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ, यानी कि हम दोनों का टाइप एक ही है। गेट आउट। मैं शालू।
मेरा ख्याल है कि आप जानती होंगी कि ये घर मेरे बाप का है। जानती हूँ। तो फिर ये भी जरूर जानती होंगी कि आप हमारे होटल की एक मामूली सी कैबरे डांसर है। डांसर हूँ, कोई वैश्या नहीं। और ये मत भूलो कि वैश्या की कोठी पर भी एक कोना ऐसा होता है जो मंदिर से ज्यादा पवित्र होता है। नाउ गेट आउट। नहीं मैम साहब, अब पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। हमने सब देख लिया, सब सुन लिया और सब समझ लिया। ऐसे दुष्ट लोगों के बीच अपनी इज्जत बचाए रखना, आप सचमुच धन्य हैं। आप देवी का रूप है। हमने आपसे नफरत की, आपके मुंह पर थप्पड़ मारा और आप हमें घर ले आए, हमारी सेवा की। आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार है मेम साहब। किसका किस पर उपकार है शंकर, ये तो भगवान ही जानता है। आप ठीक कहती हैं मेम साहब, लेकिन जिंदगी में कभी हम आपके काम आ सके तो भोलेनाथ की सौगंध हम जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। एक बात कही मेम साहब, इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेली, आप शादी क्यों नहीं कर ली थी? मुझ जैसे लड़की से कौन करेगा शादी? क्यों क्यों नहीं करेगा? आप में किस बात की कमी है? हाँ, आपके पास सुंदरता है, अच्छा चरित्र है और कितना अच्छा दिल है आपके पास। फिर भी मैं एक कैबरे डांसर हूं। तो क्या हुआ, तुम करोगे मुझसे शादी? हम कैसे कर सकते हैं मेम साहब, हम तो गांव के आदमी है ना। और फिर हम यहां तीन काम करने आए हैं। हमें अपने पिता दीवान सरदारीलाल के कातिल को ढूंढकर अपना बदला लेना है, हमें अपने अनिल भैया को ढूंढना है, हमें अपनी बहन को ढूंढना है। हमारे सर पर बहुत बड़ा बोझ है मेम साहब, हमें अपना फर्ज पूरा कर दीजिए, हम जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। हाँ मेम साहब, भगवान करे कि तुम अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो जाओ। बार बार कहने के बावजूद ये लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाने से बाज नहीं आते, इस बार इनका सारा सामान उठाकर ले चलो। आज ऐसा ही होगा साहब। अरे भाई कैसे दिए? 15-15 पैसे। 2 दे दो। लो। अरे अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे रे, अरे वो छीन के ले जाएंगे। क्या कर रहे तू, छीन के ले जाएंगे? दिन दहाड़े डाका छोड़। ए, तुम कैसे डाकू हो? हमारे गांव में डाकू अमीरों को लूटते हैं, तुम गरीबों को लूट रहे हो? अरे हम म्युनिसिपैलिटी वाले हैं। अबे हट, तेरी म्युनिसिपैलिटी की आल्टी की ऐसी की तैसी। क्या बोले? छोड़ो, हमने उन डाकुओं को मारा और आप हम ही को पकड़ रहे हैं। पुलिस स्टेशन चलो, सब मालूम हो जाएगा। चलो खबरदार। तो अब तुमने सरकारी आदमियों पे भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। हमें क्या मालूम था साहब कि वो उल्टी पाल्टी क्या म्युनिसिपैलिटी? हाँ, म्युनिसिपैलिटी के लोग थे, वो गरीबों को लूट रहे थे साहब, हमने तो लट उठा लिया। तो लट महाराज, आप गाँव वापस क्यों नहीं चले जाते? देखा साहब, अब पुलिस वालों को हाथ जोड़ना ही बाकी रह गया। अगर आप लोग अपना काम बराबर करते तो हमें शहर में आने की जरूरत ही क्या थी। आज 20 बरस हुए हमारे पिता दीवान सरदारी लाल का खून हुए, पुलिस वालों ने उस खूनी का पता लगाया, कुछ खबर ली, अब हम उन्हें ढूंढने शहर में आए हैं तो कहते गांव वापस चले जाओ। अरे गांव वापस कैसे चले जाए, हा? ये भी कोई इंसाफ है भाई? तुम कहीं सूरजपुर के दीवान सरदारी लाल की बात तो नहीं कर रहे? उन्हीं की बात कर रहे हैं।
तुम उनके बेटे हो? हाँ, हाँ, उन्हीं के बेटे हैं हम। बेटा, उस वक्त तुम्हारे पिता मरे नहीं थे। क्या, मरे नहीं थे? हाँ, हमें अच्छी तरह याद है, हमारी ड्यूटी उस वक्त उसी इलाके में थी और तुम्हारे पिता को अस्पताल ले जाया गया, उनका ऑपरेशन करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्या, हमारे पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे? हमारे पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे? सुना साहब, हमारे पिता मरे नहीं थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं, एक दिन अचानक वो अस्पताल से गायब हो गए। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। गायब हो गए, उनका पता नहीं चला? घबराओ नहीं बेटा, जिस भगवान ने उन्हें बचाया है वो तुम्हें एक ना एक दिन उनसे मिला भी देगा। हवालदार साहब, इसी उम्मीद से तो हम इस शहर में आए हैं। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी हमें मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे शालू, तुम, हमने अभी भी फोन करवाया था तुम्हें बुलवाने के लिए। क्यों, शंकर की खबर लाई हो? जी नहीं। फिर कैसा ना हुआ? ठाकुर साहब, मैं आपका काम छोड़ने आई हूँ। इट्स इम्पॉसिबल, यहाँ लोग काम करने आते हैं, काम छोड़ने नहीं आते, और तुम तो जानती हो यहाँ काम छोड़ने का अंजाम क्या होता है। मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या कहा तुमने, तुम्हें मौत की परवाह नहीं है? नहीं शालू, नहीं, तुमने हमारे साथ बहुत वफादारी से काम किया, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, नेवर। एक मिनट, लो देखो इसे उठाओ, पलटो, आगे और आगे, एक और। मेरे भाई की तस्वीर आपके पास? तुम अगर चाहोगी तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, इतना होनहार और प्यारा बच्चा जो हर साल अपनी पढ़ाई में फर्स्ट आता है, बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है शालू। मुझे काम क्या करना है? ये दीवान जी, ये बेचारी बीड़ियां आपका बोझ उठाते उठाते थक गईं, लेकिन आप नहीं थके हैं। पिछले 20 साल में हमने आपको खूबसूरत से खूबसूरत लालच दिए, भयानक से भयानक तकलीफें पहुंचाई, खजाने की चाहत में हमने आपको मरने नहीं दिया और आपकी जिद ने आपको अपनी जिंदगी जीने नहीं दिया। आपने हार नहीं मानी और हम जीत नहीं पाए, लेकिन आज आज हम आपकी इस घटिया जिद और अपनी चाहत की इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करके आए हैं। ठाकुर, मांस और हड्डियों का ये जिस्म अपने मालिक की वफादारी के लिए पत्थर और फौलाद से कम नहीं है। इसे जलाओगे जलेगा नहीं, काटोगे कटेगा नहीं। खजाना पाने की जिस खुशी के लिए तुम बरसों से तरस रहे हो, हमारे जीते जी वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं आएगी। या खुशी तो हम आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं दीवान जी। आज हम आपको वो तोहफा देने जा रहे हैं जिसे पाकर आप खुद खुश होकर हमारी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। 20 साल पहले आपका खानदान आपसे बिछड़ गया था, आज 20 साल बाद आपकी औलाद आपको फिर से मिल जाए तो यकीन नहीं आया ना? हमें भी नहीं आ रहा था कि हमारी तकदीर का चमकता हुआ सितारा हमें इस तरह रास्ते पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। आपकी बेटी वो देखिए। शायद आपकी इन बूढ़ी आंखों में वो रोशनी बाकी नहीं रही
जो अपनी इस बेटी को पहचान सके। लेकिन इस लड़की के पास यह तस्वीर है जिससे आपकी आंखों को ही नहीं आपके दिल दिमाग को भी यकीन आ जाएगा कि ये आप ही की बेटी है। थक गई हूं मैं पिताजी आपकी तलाश करते करते, कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। ये क्या हालत बना रखी आपने मेरी बेटी, ये आपकी क्या हालत हो गई। पिछड़े हुओं को मिलाने का इनाम तो दे दिया दीवान जी। बेटी, बेटी के साथ पूरा परिवार मिल जाएगा दीवान, लेकिन उससे पहले तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। खजाना तुझे नहीं मिलेगा ठाकुर। खजाना तुझे देना पड़ेगा दीवान। नहीं। देना पड़ेगा। नहीं नहीं भीमा। मेरी बेटी, पिताजी, बेटी, ठाकुर आज फिर तुम्हारा नाटक बेकार हो गया। दीवान सरदारीलाल, एक न एक दिन तुझको खजाना देना ही होगा, क्योंकि मेरे जुल्म की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। ठाकुर तुम मेरी बर्दाश्त की ताकत नहीं जानते। तुम्हारे जुल्म है तो मेरा भगवान है। भोलेनाथ, हमारी बाहों में ऐसी शक्ति भर दो कि कोई हमारा रास्ता ना रोक सके। चलिए मेम साहब, हमें ले चलिए वहां जहां हमारे पिताजी कैद हैं। नहीं शंकर, वहां जाना इतना आसान नहीं है। वो जगह बहुत खतरनाक है, वहां तुम्हारी ये लाठी नहीं चलेगी। इसे लाठी मत समझिए मेम साहब, जब ये चलेगी तो भगवान शंकर का त्रिशूल बन जाएगी, दुश्मनों को चिरती जाएगी। आइए। शंकर पागल मत बनो, दुश्मन को कमजोर मत समझो। तुम नहीं जानते कि उसके एक इशारे पर कितने लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, कितनी बड़ी ताकत है उसके पास। लेकिन कुछ नहीं, ठाकुर तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो मेरे साथ। ठाकुर साहब। हाँ? आपका माल। गुड। ठाकुर साहब ये शंकर है, ये हमारे साथ काम करेगा। अरे इसे यहां क्यों ले आई, ये हमारे साथ क्या काम करेगा? क्यों नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते? ठाकुर साहब जो आदमी चोरी चकारी से डरता है। कौन डरता है, एक बार कहकर तो देखो, चोरी क्या हम डाका भी डाल देंगे। हमारे साथ काम करने से पहले सोच लो शंकर, यहां हमेशा जान हथेली पर रखनी पड़ती है। हथेली पर तो आप रखते होंगे, हम तो उंगली पर रखते हैं। और अगर कभी खून करना पड़े तो? जब खूनियों की टोली में आ ही गए ठाकुर साहब तो एक क्या, 10 खून कर देंगे। गुड, वेरी गुड। अच्छा शंकर, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? हुजूर आप एक मौका तो दीजिए, भोलेनाथ की कसम हम क्या कर सकते हैं ये तो आपको वक्त ही बताएगा। अरे थोड़ी देर समझो, बीना की तो शादी हो गई, लेकिन रानी तुम्हारा नंबर कब लगेगा? अरे अपना तो नंबर ही गलत है। क्यों क्यों क्या हुआ? देखती नहीं तेरा राजा भैया मुझे तो अंदर सुलाता है और खुद कमरे के बाहर सोता है। अच्छा तो क्या करती है, साथ खेले होने से पहले तेरे साथ अंदर सो जाए? अरे वो क्या सोएगा, कभी गलती से हाथ से हाथ छू जाए तो पसीना आ जाता है। अरे तुम्हारी इस शोले जैसी जवानी को देख कर तो बड़े बड़े राजाओं को भी पसीना आ जाए, और वो अपने राजा बाबू। अरे वो तो बेचारा इस मामले में बिल्कुल मिट्टी का माधव है। अपने राजा मेरी बात है, बड़े चढ़ने लगी बात है। मैं तो मजाक कर रही थी ना। अच्छा मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। तुझे बड़ी तकलीफ होती है ना, आज मैं भी अंदर सोऊंगा, इसी बिस्तर पर।
क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? वो क्या है कि मुझे बड़ी शर्म आती है, हाथ से हाथ छू जाए ना तो पसीने आने लगते हैं। और जाती कहाँ है? बैठ इधर। ये क्या? इधर आ, इधर आ। पहले ये बता, तू ही अपनी मर्जी से आई थी ना? हाँ। इस घर को अपना घर समझती है अपनी मर्जी से? हाँ। मेरे लिए खाना बनाती है अपनी मर्जी से? हाँ। यहाँ अंदर सोती है अपनी मर्जी से? हाँ। मुझे अपना समझती है अपनी मर्जी से? हाँ। तो फिर मुझे प्यार भी करने देगी अपनी मर्जी से? हाँ हाँ। क्या प्यार? नहीं नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं? बताऊं? वो तो ऐसे दीवानी।
क्या रही है? गोली कौन चला रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो अपने शंकर है ना, वो प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए कितना अच्छा निशाना है उसका। ठाकुर साहब आपको कुछ चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, क्या है कि इस बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं, अगर 7वीं गोली होती तो मैं इस डिब्बे को आपकी खोपड़ी पर नहीं गिरने देता। सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी, ये इंग्लिश बोला? वो लिटिल लिटिल शालू टीचिंग आई स्पीकिंग। ठाकुर साहब आपका फोन। हेलो, हाँ जॉन, ठाकुर वीर प्रताप हियर। भाई वो हमारे डायमंड्स का क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे 4 करोड़ लेकर हम खुद आएंगे कल शाम ठीक 4 बजे कसारा घाट पर, ओके? अच्छा, राजा से कहना कि वो इस डील में हमारे साथ रहेगा। ठाकुर साहब, इस डील में राजा की क्या जरूरत है, आप शंकर को साथ ले जाइए ना। ठाकुर साहब, आपने हम पर इतना रुपया खर्च किया, इतनी ट्रेनिंग दी। शंकर, ये स्मगलिंग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम भी खेलो, कुछ दिन और डब्बे हवा में उड़ाओ, वक्त आएगा तो तुम्हें भी ले जाएंगे। राजा, राजा। हाँ, क्या बात है? तुम्हें ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर साहब ने क्या काम है? तुम तो जानते हो काम क्या है, कुछ माल इधर से उधर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओके। क्या कर रहे हो? वो कुछ जरूरी काम है, देर हो जाएगी, घबराना नहीं। लेकिन क्या कर रहे हो? तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हटो। क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल का पीछा करो, चलिए। हेलो इंस्पेक्टर सुनीता। इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? आपका राजा पिशाच बिल्कुल सही निकला, आपने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी आज उसका फल भी मिल गया। एक्सेलेंट, एनी इंफॉर्मेशन? यस, कुछ आदमी राजा के पास मैसेज लेके आए थे, लगता है कुछ स्मगलिंग की बात कर रहे थे। मैंने पीछा किया तो देखा राजा ठाकुर वीर प्रताप सिंह के बंगले में गया है। ओ आई सी, इसका मतलब है उन लोगों का स्मगलिंग से कोई ताल्लुक है। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक स्मगलिंग के बारे में पता चला है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कहां से बात कर रहे हैं आप? कल शाम ठीक 4 बजे कसारा घाट पर 4 करोड़ के हीरों का सौदा हो रहा है, अगर आप चाहें तो उन्हें मौके पर ही पकड़ सकते हैं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, पुलिस को फोन करके तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? नहीं शालू नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब तक खतरा नहीं लूंगा मैं ठाकुर का विश्वास नहीं जीत सकता, और मैं जल्द से जल्द उसके भरोसे का आदमी बनकर अपने पिताजी को उसकी कैसे छुड़ा लेना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर इस काम के लिए मेरी जान भी जाती है तो बेशक चली जाए, मुझे उसका कोई गम नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि पुलिस कल ठीक 4 बजे वहां पहुंच जाए। हाय जॉन, how are you? Fine, thank you. Thakur, I brought you diamonds. Good. Raja. ये रहे आपके बाकी के पैसे। Don't move from there. रुक जाओ वहीं पर, वरना तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। बेहतर इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
अब तुम्हारे लिए यहां से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। घूम कर देखो, तुम चारों तरफ पुलिस से घिर चुके हो। मेरे एक ही इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल सकती हैं। सोच लो, मैं तुम्हें एक मिनट का वक्त देता हूं। नौकर शंकर। तुम यहां? हां मैं। ए, राजा पुलिस के हाथों? हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देख लिया? मैंने कहा था ना, राजा की फिक्र की जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपका माल। गुड। क्यों ठाकुर साहब? पुलिस। पुलिस? पहचान तो नहीं लिया? मैं देखता हूं। नहीं ठाकुर साहब, मैं जाकर देखता हूं, आप यहीं रहिए। अच्छा। कहिए इंस्पेक्टर साहब। तुम यहां इस लिबास में? काया पलट हो गए ना इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ इन देवी जी की कृपा से हुआ है। लेकिन आप यहां कैसे इंस्पेक्टर साहब? ये ठाकुर साहब से मिलने आए हैं। मैंने कह चुकी हूँ कि ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन ये जिद कर रहे हैं, कहते हैं मिलकर ही जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपका ठाकुर साहब से मिलना बहुत जरूरी है? हाँ, जब तक वो नहीं उठते मैं इंतजार करता हूँ। पुलिस वाले हैं ना, ड्यूटी पर आए हैं तो ड्यूटी करके ही जाएंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे लेकिन वो ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं शालू, मैंने अभी अभी टेलीफोन पर ठाकुर साहब से बात की है। वो जाग गए हैं। अच्छा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब इंस्पेक्टर साहब से मिलने आए हैं। आइए। चलिए। माफी चाहता हूं ठाकुर साहब, मैं जानता हूं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर हूं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं कार के बारे में आपसे पूछने आया हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर, हम कारों का बिजनेस नहीं करते। जानता हूं। ये रजिस्ट्रेशन बुक उस कार में से मिली जो अभी अभी एक स्मगलिंग रेड में पकड़ी गई। लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ठाकुर साहब, इसमें आपका नाम लिखा है। हमारा नाम? जी हाँ, MRH 1126। आप ही की कार का नंबर है ना? लेकिन वो तो कल चोरी हो गई।
चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट तो की होगी आपने? हाँ की थी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में। माफ कीजिएगा, मैं आपका फोन इस्तेमाल करता हूँ। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन, वागले, इंस्पेक्टर विजय है। देखो कल एक कार चोरी हुई थी, MRH 1126, रिपोर्ट दर्ज है क्या? ओ थैंक यू। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी, गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो कॉमन हो गई है आजकल। स्मगलर लोग शरीफों की गाड़ियां चुराते हैं, स्मगलिंग करते हैं, फिर कहीं भी ले जाके छोड़ देते हैं, फिर हम जैसे शरीफों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम सब समझते हैं ठाकुर साहब, आजकल जो कुछ भी होता है शराफत के आड़ में ही होता है। कई बार तो स्मगलर हमारे सामने होता है और हम उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। सिगरेट? नो थैंक यू, बट ब्यूटीफुल सिगरेट केस, हमें बहुत पसंद आया। लीजिए। थैंक यू ठाकुर साहब। बाय। शंकर, हमें जगह फौरन खाली कर देनी चाहिए। क्यों? मैं इंस्पेक्टर सिगरेट केस पे हमारी उंगलियों के निशान ले गया है, उन निशानों को गाड़ी पे मिले बाहर निशान से मिलाएगा और फिर कभी पुलिस आ सकती है यहां पर। ठाकुर साहब, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जीप में हमने टाइम बॉम्ब लगा दिया है। What do you mean? तुमने उस आदमी को बम रखते देखा और फिर भी ब्लास्ट कर दिया? नहीं सर, उसमें बम है ये तो मुझे तब पता चला जब मुझे जीप में वो चिट्ठी मिली। लेकिन तुमने बम निकाला क्यों नहीं? मौका नहीं मिला सर। और anyway, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। It's all right. विजय, लेकिन बम रखने के साथ साथ ये वार्निंग की चिट्ठी? चिट्ठी लिखना मेरा फर्ज था और बम लगाना मेरी मजबूरी। जीप उड़ाकर मैं ठाकुर का विश्वास जीतना चाहता था। लेकिन आप कौन हैं? मैं वही शंकर है सर। पिछले 20 साल से ठाकुर ने मेरे पिताजी को कैद कर रखा है, वो मेरे पिताजी से किसी खजाने का राज जानना चाहता है। ओ आई सी, लेकिन कहां है तुम्हारे पिताजी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम सर। तो क्या स्मगलिंग डील में तुम ठाकुर के साथ थे? जी हाँ। इसका मतलब यह है तुम ठाकुर की सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज जानते हो, उसके सारे अड्डे जानते हो और ये भी जानते हो कि वो माल कहां छिपाता है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर, ठाकुर के सारे अड्डे, उसका सारा माल पकड़वा दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने पिताजी की जान बचा लेने दीजिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारे पिताजी को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि पुलिस तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर। लेकिन तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। विजय सर, अखबारों में छपवा दो कि जीप ब्लास्ट के साथ तुम्हारी मौत हो चुकी है। ओके सर। इंस्पेक्टर विजय डाइड इन अ जीप ब्लास्ट? ओह नो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विजय जिंदा है। ओ बिल्कुल जिंदा है, ओ सचमुच जिंदा है, ओ सारे दिल आज हमेशा जिंदा रहेगा, ओ तुम्हारे दिल आज हमेशा जिंदा रहेगा। तुम फिक्र ना करो, जब तक थोड़ा मंजी जिंदा है तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मंजीत, ओ मंजीत, विजय तो मैंने छड़ के चला गया पर तू मैंने ना छड़ी। ओ कुड़ी है, एक की हो रहा है। हाय, हुन मैं समझ गई हां। ए वाहे गुरु, एक की हो गया शुरू। ए वाहे गुरु, कभी तुम गुरु तो कभी हम गुरु, अभी तो खेल हुआ है शुरू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा तो? क्या कर रही हूँ, अखबार में झूठी खबर छपाने की क्या जरूरत थी? ये पुलिस वालों की चाल है सोनिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में नहीं, अभी इसी वक्त बताओ। तुम किसी से कहोगे तो नहीं? किसी से भी नहीं, गॉड प्रॉमिस। चलो मेरे साथ। नमस्ते ठाकुर साहब। क्यों शंकर, कैसी लगी ये कार तुम्हें? ये कार बहुत अच्छी है ठाकुर साहब। ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे लिए? हमारी जान बचाने के शुक्रिया में ये छोटा सा नजराना कबूल हो,
और अगर इसी तरह वफादारियां निभाते रहे तो हम वादा करते हैं कि दुनिया की हर चीज लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब तू मेरे कदमों में होगा। थोड़ी सी जगह तुम मेरे लिए भी रख लेना। शालू तुम? हाँ प्लीज, इतनी सी बस। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। अगर तुम्हारा साथ ना होता। ये साथ हमेशा रहेगा ना? हमेशा मेम साहब। मेम साहब नहीं, शालू। शालू चलो मंदिर चलते हैं, वहां भगवान से। अभी आज शिवरात्रि है महाराज। अरे मृदंग बोले, हाँ मृदंग बोले दंग दंग, और तबला तक धिन धिन धिन, तक धिन धिन धिन, वाह भैया जरा जमके। शंकर का भैया कमाल देखो, भंग भीतर भरा भाव चाल देखो। भोले शंकर का भैया कमाल देखो, भंग भीतर भरा भाव चाल देखो। जरा देखो हमार, जरा देखो हमार लटके झटके तनी खमरी जबनिया की चाल देखो। भोले शंकर का भैया कमाल देखो, भंग भीतर भरा भाव चाल देखो। जरा जोर लगा के ये बात।
हम बेचारे और अभी तक है कुंवारे, तू जरा होश से काम ले। तुम्हारा जो हाल देखो, सब जवानी का है ये उबाल देखो, जरा देखो हमार, जरा देखो हमार लटके झटके तनी खमरी जवनिया की चाल देखो। बोले शंकर का भैया कमाल देखो, भंग भीतर भरा भाव चाल देखो, जरा देखो हमार लटके झटके तनी खमरी जवनिया की चाल देखो। हेलो हेलो, चलो चलते शंकर। नहीं अभी तो हम कंवारे हैं, अभी हम कंवारे नहीं रहेंगे। ये सब शादी के बाद। तो क्या हुआ, हम अभी शादी कर लेते हैं। देखो ना कितने सारे भगवान हैं, ये शंकर हैं, ये हनुमान हैं, और ये कितने सारे मेहमान भी हैं। हम अभी शादी नहीं करेंगे। क्या बोले तू? मैं बोली हम अभी शादी करेंगे। हम शादी अभी नहीं करेंगे। करेंगे। शादी करेंगे लेकिन मां का आशीर्वाद लेने के बाद। शंकर 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 शंकर, अरे अरे शंकर माँ जी आपको लग गया। माँ जी देखिए, माँ जी सबको नहीं गया। देखिए आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए इन्हें उठाने में। चलिए। अरे 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 घबराइए नहीं बहन जी, आप बिल्कुल ठीक है, जरा आराम कीजिए। ये गोलियां दे देता हूं, दो दो घंटे बाद एक एक ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नथिंग सीरियस मिस्टर मोहन, शॉक लगने से अक्सर आदमी नर्वस हो जाता है। शी नीड्स रेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, इट्स ऑल राइट। तुमसे कितनी मरतबा कहा गाड़ी आस्ते चलाया करो, लेकिन तुम नहीं। भाई साहब इसमें बिटिया का कोई दोष नहीं, दरअसल भूल मेरी ही थी। पहली बार इतने बड़े शहर में आई हूं ना। अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप, अभी आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, आपको आराम की जरूरत है, बस आप प्लीज लेटे रहिए। नहीं बेटी मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा, हमें पता बताइए, हम उसे यहीं बुला देते हैं। हाँ मुझे पता दीजिए। पता तो मुझे भी नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहकर भी अपने बेटे को ढूंढ सकती हैं। लाइए मैं आपको गोली दे दूँ, एक गोली अब ले लीजिए, दूसरी दो घंटे के बाद, अभी चार बजे हैं। चार बज गए, अरे मम्मी मुझे तो क्लब जाना था अपनी सहेली से मिलने के लिए। देखिए आपको मेरी कसम है, आप घर छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। ओके ओके मम्मी बाय बाय। हेलो सुजी, हाय, मेरे लिए कोई फोन था? नहीं। ओह नो, हाँ अगर मिस्टर मंजीत का फोन आए तो मैं स्विमिंग पूल पे हूँ, मुझे बुलवा लेना। श्योर, ओके थैंक यू, यू आर वेलकम। सोनिया योर फोन, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो मैं सोनिया बोल रही हूँ। ओ हाय मंजीत, तुम आए क्यों नहीं?
मैं काम में फंस गया था डार्लिंग। क्या तुम चाइना क्रीक आ सकती हो? चाइना क्रीक? तुम वहां कैसे चले गए? बस तुम आ जाओ फिर सब बता दूंगा। जल्दी पहुंच जाओ। ओके, तुम वही इंतजार करो, मैं आती हूँ। हेलो सोनिया, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? जब से तुम्हें पूल पे नहाते देखा, नजरें जम गईं, सांसें थम गईं, और दिल ने मुझे मंजीत बनकर तुम्हें फोन करने पे मजबूर कर दिया। लाओ मेरी चाबी। ले जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। हम हाथ थामते हैं तो छोड़ने के लिए नहीं, हम तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। शंकर तुम? मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, ये मेरा अपना मामला है। तुम्हारा अपना मामला मैं खूब समझता हूं। थैंक यू वेरी मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पे तुम अकेली आई कैसे? मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया। ओ। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकेंगे? कहिए। देखिए, आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप उसे जानते हैं। बस आप मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं उसे ऐसा मजा चकाऊंगी कि मेरे पैर छुएगा। बहन जी, अरे आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? आइए बैठिए। लेकिन बहन, बिल्कुल नहीं। उन्हें, मेरी बच्ची। बहन जी, ये तस्वीर किसकी है? हमारी बेटी सोनिया की है। सोनिया, मेरी खोई हुई बेटी, तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां तलाश किया। भगवान तेरा लाख शुक्र है। सुनिए। क्या बात है, क्यों इतनी घबराई हुई? देखिए क्या कह रही है। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। राखी के उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मेरा सारा परिवार बिछड़ गया था। तभी मुन्नी बिल्कुल इतनी सी थी जब वो नदी में बह गई। लेकिन आप कैसे यकीन से कह सकती हैं कि वही आप ही की बेटी है? उसके उसके बाएं कंधे पे एक काला निशान है। आप लोग चुप क्यों हैं? भाई साहब, आप तो कुछ बोलिए। आप इसकी कसम खा के बोलिए, क्या आपने इसको अपनी कोख से जन्म दिया था? भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ। ये सच है कि इसने सोने को जन्म नहीं दिया, लेकिन जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? क्या 20 साल तक हमने उसे पाला नहीं, माँ बाप का प्यार नहीं दिया, उसके साथ अपने सपने नहीं सजाए? और ये एक दिन में आके कह रही कि सोनिया इनकी बेटी? एक पल में तुम हमारी सारी खुशियां छीन लेना चाहती हो? मैं छीनना नहीं चाहती, मैं तो हो
खुद ममता का दामन फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो। मेरी सोनिया को मुझसे जुदा मत करो, उसके बदले में तुम उसे जो चाहे ले लो। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो न जाने, लेकिन मैं आपको सोनिया की कसम, आपको सोनिया की कसम, उसे इस बात के बारे में कुछ मत बताइएगा, कुछ मत बताइएगा उसे। मम्मी, अरे माझी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? यूं ही थोड़ी सी देर में इतनी सारी खुशियां मिल गई ना, इसीलिए। माझी, क्या है बेटे की? वो ये अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने जा रही थी और मैं। ये क्या माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, हम सब मिलके आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। भगवान आपको आपकी बेटी से जरूर मिलाएगा। आ शंकर, आज तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है, ये फोटो देखो। ये दीवान सरदारीलाल है, ये उसकी पत्नी, ये उसके बच्चे। ये सब कहाँ है? दीवान सरदारीलाल हमारी कैद में है। और उनका परिवार? पता नहीं, जिंदा है या मर गए कोई खबर नहीं, लेकिन ये हमारा करोड़ों का राज छुपाए हुए है। इसे हमने सख्त से सख्त सजा दी, भूखा रखा, प्यासा रखा, 20 साल से इस नमक हराम में सूरज की रोशनी नहीं देखी, लेकिन राज नहीं बताया इसने। वाह दीवान जी, कोई वफादारी सीखे तो आपसे, ईमानदारी सीखे तो आपसे। लेकिन शंकर, तुम अपनी जिंदगी का मकसद भी यही है ठाकुर साहब, अपने आप से वफादारी, अपने मालिक से वफादारी। वैसे ये महापुरुष हैं कहां? मैं आपका बेटा हूं शंकर। चला जाए यहां से और जाके बोल दे उस ठाकुर को हमारे जज्बात से खेलना बंद कर दे। वो समझता है हमारा परिवार हमारी कमजोरी है। हाँ है, लेकिन वो कमजोरी हमारी वफादारी के पांव नहीं डगमगा सकती। जा, जाके बोल दे उसे हमारे जीते जी उसे खजाना नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं खजाने के पीछे नहीं आया हूं पिताजी, मेरा खजाना तो आप है, आप नहीं जानते हम सब। अरे हम सब जानते हैं, ठाकुर कितने भी नाटक खेल ले हम उसके धोखे में नहीं आएंगे। ये धोखा नहीं पिताजी, हकीकत है। मैं आपका बेटा, ये देखिए, ये वो लॉकेट है जो आपने बचपन में मेरे गले में डाला था, याद कीजिए। तुम भी इस लॉकेट को सदा पहने रखना। अच्छा पिताजी। शंकर। पिताजी। मेरे बेटे। पिताजी। पिताजी। सुन बेटे, इस लॉकेट में राजा साहब के खजाने का आधा नक्शा है। हाँ, ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था, उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्शा है। दोनों नक्शे मिलाकर तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, समझे बेटा? ऐसा मत कहिए पिताजी। तुम ये खजाना राजकुमार के हवाले कर देना और उनसे कह देना कि दीवान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हा? नहीं पिताजी, आप अपने हाथों तो अपना फर्ज पूरा करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त और, माँ को जब पता चलेगा। तुम्हारी माँ, माँ कैसी है तेरी? अच्छी है। अच्छा, और मुन्नी? सब 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 अच्छे हैं। अब हम सब जल्दी से मिल जाएंगे। अच्छा, अब तुम जल्दी से चले जाना और ठाकुर को पता नहीं चलने देना। नहीं, जाओ जाओ और अपना ख्याल रखना। हाँ, 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 तुम जल्दी जाओ।
इसका मतलब है कि शंकर ही दीवान सरदारीलाल का बेटा है, क्यों शालू? जी जी हाँ, मुझे तो पहले से शक था रे। मुबारक हो, हमारी चाल कामयाब हो गई। लेडीज में नक्शा नहीं है? नहीं। कहाँ नक्शा? कौन सा नक्शा? अच्छा, कौन सा नक्शा? इस लॉकेट में राजा साहब के खजाने का आधा नक्शा है। हाँ, ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था, उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्शा है। दोनों नक्शे मिलाकर तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, समझे बेटा? वाह ठाकुर साहब वाह, आप भी उस बूढ़े खुसट दीवान की तरह बेवकूफ बन गए। उसने मुझे अपना असली बेटा समझ लिया, आप भी मुझे उसका बेटा समझने लगे। ये सब इस लॉकेट की मेहरबानी से हुआ है। लेकिन ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? शालू, देखने को तो हर नजर देखती है, लेकिन क्या देखती है ये अपनी अपनी नजर है। ठाकुर साहब ने जब मुझे दीवान की ये तस्वीर दिखाई तो आप सबने सिर्फ चेहरे देखे, वो चीज नहीं देखी जो मैंने देखी। कौन सी चीज? इस बच्चे के गले में पड़ा हुआ ये लॉकेट। ऐसे एक लॉकेट बनाकर मैं दीवान के सामने पहुंच गया और वो मुझे अपना बेटा समझने लगा। ये सब इस लॉकेट का कमाल है। I see. ये औरत शंकर की मां है या नहीं ये उसके गांव जाके पता करो। ओके। सुनो, पता चलते मैं फौरन खबर कर देना। राइट सर। शंकर, शंकर क्या कर रहे हो? इस खजाने के नक्शे को आखिरी बार देख रहा हूं। क्यों? अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका हर निशान हर मोड मेरे दिमाग में छप चुका है। मैं जब इसे चाहूं कागज पर उतार सकता हूं। कहीं आधा नक्शा उसके हाथ लग जाता तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता था। तुमने हमारे लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लिया है राजा। मुश्किल से मुश्किल काम तुम्हारा नाम लेते ही आसान हो गया, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जिसमें ना कोई खतरा है ना मुश्किल है। तुम्हें एक आदमी को तलाश करना है। कौन है वो? उसका नाम और पता तो नहीं मालूम, यूं समझ लो तुम्हारी उम्र का होगा। उसकी एक निशानी है हमारे पास। अरे क्या सोच रहे? आपकी कोई दुश्मनी है उस आदमी से? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं, हमें प्यार है उसके गले में पड़े हुए उस लॉकेट से। क्यों, क्या है उस लॉकेट में? उस लॉकेट में, उस लॉकेट में हमारी खुशियां हैं। आपकी खुशियां? हाँ, हमारी खुशियां। खैर, ये जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ठाकुर साहब, क्योंकि वो आदमी मैं हूं। ये देखिए, मिला लीजिए इसे अपने लॉकेट से। तुम हमारे खानदान से? मैं आपके खानदान से? हाँ, हाँ, तुम्हारे खानदान का हमारे खानदान पे बहुत बड़ा स्थान है। आज आज हम उसका बदला चुकाएंगे, आज बदला चुकाएंगे उसका। आओ आओ हमारे साथ। चांदी, रुपया, इसमें से जितनी चाहे तुम दौलत ले सकते हो। नहीं ठाकुर साहब, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह बताइए कि मैं कौन। पिछले 20 साल से मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मेरा घर कहां था, मेरे मां बाप कौन है। राजा, तुम्हारे खानदान में हम सिर्फ तुम्हारी मां को जानते थे। मेरी मां को जानते थे? कहां है मेरी मां ठाकुर साहब, मेरी मां कहां है? राजा, तुम्हारी मां
अपने जमाने की मशहूर तवायफ थी ठाकुर साहब। लेकिन मां कैसी भी हो, मां फिर मां होती है। नहीं ठाकुर साहब, तवायफ तवायफ होती है। राजा अपना लॉकेट तो लेते जाओ। अरे बिल्कुल मेरे लॉकेट जैसा। अरे हाँ, किसने फेंका इसे? मैंने राजा के लॉकेट में से खजाने का नक्शा निकाल लिया है डैडी। गुड, चलो नक्शे का आधा हिस्सा तो हमारे हाथ आ गया। ये आधा हिस्सा है तो उसको दीवान सरदारीलाल ने शंकर से क्या कहा था? नक्शे के दो हिस्से करके अलग अलग लॉकेटों में बंद कर दिए गए। अब हमें इस नक्शे का दूसरा हिस्सा तलाश करना है। तुम इन लोगों पर नजर रखो, मैं राजा से मिलकर आता हूं। राजा, ये लॉकेट तेरा है? फेंक दे इसे शंकर, ये लॉकेट नहीं, दाग है मेरे जन्म का, गंदगी है मेरे खून की। नहीं राजा, ये निशानी है तेरे ऊंचे खानदान की, तेरे शाही जन्म की। तू राजकुमार अनिल है, सूरजपुर रियासत के शाही खानदान का इकलौता वारिस। क्या? इसे मेरे पिताजी ने तेरे गले में डाला था। इस लॉकेट में शाही खजाने का आधा नक्शा भी था। नक्शा? हाँ राजा, जिसे ठाकुर साहब ने अभी भी निकाल लिया है। ये ठाकुर दूर के रिश्ते में तेरा चाचा भी है। तेरे माँ बाप की मौत के बाद तेरे दादाजी से सारा खजाना हासिल करके ये तुझे भी खत्म कर देना चाहता था, इसलिए महाराज ने तुझे मेरे पिताजी को सौंपा था। तुम्हारे पिताजी कौन है? दीवान सरदारीलाल, जिन्हें इस हरामजादे ठाकुर ने 20 साल से अपने यहां कैद कर रखा तेरे खजाने का राज जानने के लिए। मेरा खजाना? मैं राजकुमार का नहीं, तो यहां ऐसे? तू हमसे बिछड़ गया था राजा, तुझे याद नहीं तेरा वो बचपन? तुझे याद नहीं तेरा वो महल जाम खेला करते थे? याद कर राजा, याद कर राखी का वो दिन जब हम तेरे महल में आए थे। मुन्ने ने तेरे हाथ में राखी बांधी थी और उसके बाद हम सब खेलने मेरे घर चले गए थे, और फिर अचानक पिताजी आए और हम सबको नदी की तरफ ले गए। सब ट्रॉली में बैठे ही थे कि गोलियां चलने लगी। पिताजी ने ट्रॉली को धक्का दिया, लेकिन एक गोली पिताजी को लगी और माँ जी चीखी। हाँ, वो चीख, वो गोली, वो पानी, वो ट्रॉली का गिरना, वो नदी, मुझे सब कुछ याद आ गया शंकर। यही वो बिखरी हुई तस्वीर है जो मेरे सपनों में आया करती थी। नहीं राजा, ये तस्वीर नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि तू राजकुमार अनिल है। मेरा मुंह भोला भाई। भाई? हाँ राजा। हाँ शंकर। माँ जी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूं। यही है मेरा शंकर, मेरा बेटा। अरे इन्हें तो मैं जानती हूँ। हाँ? इन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी। यही है मेरा। हाँ? बेटा और तेरा भाई। कह दीजिए कब तक ये असलियत छुपी रहेगी? एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। मम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? बेटी, तुम्हारी असली माँ वो है। माँ? माँ? हमने तो सिर्फ तुम्हें पाला है बेटी, लेकिन इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन ये सब 20 साल पहले तुम इनसे बिछड़ गई और हमें मिल गई। बेटी, हेलो। आपका शक बिल्कुल ठीक था। वही औरत शंकर की माँ है जो आजकल अपने बेटे से मिलने के लिए बंबई आई हुई है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फौरन आ जाओ यहाँ पर। सूरज जी, तुम्हारा शक ठीक निकला, शंकर दीवान सरदारी लाल का ही बेटा है। ठाकुर साहब, आपसे कोई मिलने आया? हाँ बेटा, आता हूँ। अच्छा जी। और हाँ, शंकर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका राज हम पर खुल चुका है।
फरमाइए। मैं शंकर की बहन हूँ और ये हमारी माँ है। हम दोनों शंकर भैया से मिलने आए हैं। क्या आप बता सकेंगे कि शंकर भैया कहाँ मिलेंगे? नीच कमीने, तूने ही मेरे पति की हत्या की थी, तू नहीं। अरे नहीं बहन, नहीं, हमने आज तक किसी की हत्या नहीं की। उल्टा सारे हिंदुस्तान में आपको तलाश करते रहे, आपके बेटे को संभाल के रखा, आपके पति को संभाल के रखा। मेरे पति जिंदा है? हाँ, आपके पति जिंदा है। कहाँ है वो? बिटिया, आपके पांव हमने बेकार कर दिया। एक बार दीवान जी ने यहां से भागने की कोशिश की थी और तुमने, शुक्र करो बहन जी, पैर काटा नहीं, सिर्फ बेकार किया है। नीच कमीने, आप मेहरबानी समझो, हमारी के बिछड़ों को 20 साल बाद फिर मिला दिया, समझी? आने दे मेरे शंकर को, आने दे। वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। सूरज। यस डैड। मुझे शंकर चाहिए अभी और इसी वक्त। ओके। और सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मां और बहन हमारे कब्जे में है। ओके डैड। हेलो डैडी, शंकर मिला? नहीं, उसकी जगह एक नई मुसीबत मिल गई है। क्या बकते हो? हाँ डैडी, 3 सरदार हैं, उनके पास हमारे खिलाफ कुछ ठोस सबूत मौजूद हैं, जो कि वो पुलिस में देना चाहते हैं। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम एक काम करो, उनको कोई भी लालच देकर किसी भी बहाने यहाँ लेकर आओ, बाकी उनसे हम समझ लेंगे। ओके डैड। सत श्री अकाल। कौन हो तुम लोग? भाई सतपाल, भाई जसपाल। भाई चाहते क्या हो? चाहना क्या है, हमने मकान किराए पर लिया है। और वो जो मकान लिया था ना जी, वो इंस्पेक्टर विजय का है। इंस्पेक्टर विजय? हाँ जी, जिसको आपने जीप में बम लगा के उड़ा दिया था। बुम। क्या बकते हो? ओए 80 की बकना है जी, हुन बके की है डायरी। ए डायरी विच तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है ठाकुर वीर प्रताप सिंह एक बड़ा स्मगलर है। एक मिनट प्राजी, महाराज जी, वैसे ये बताइए कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह आप ही है ना? ओए खोतिया, तू खोता ही रह गया, इसमें क्या झूठ है, यही बहुत बड़े स्मगलर हैं, है ना? अग्गे सुनो, अग्गे सुनो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए मैं ठाकुर के बंगले पे जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी जान को वहां खतरा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह ही होगा। लो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। तो तुम हमें ब्लैकमेल करने आए हो? ओ भाई गुरु, थोड़ा भला करें, हम तो मेल करने आए जी, मेल। और अगर मेल फेल हो गया तो आपको जेल हो जाएगी जी। ओ खोते हैं, तू खोता था खोता ही रह गया है। कोई मामूली केस है जो जेल हो जाएगी? खून दा केस है, खून दा केस, सीधा ही मुर्गी दा कुकड़ू कुकड़ू।
ककड़ो को ये रहा तुम्हारा ककड़ो को ये लो चला दे इसको अरब बोलो कर दूं मैं तुम तीनों का ककड़ो ककड़ो अरे नहीं महाराज बंदूक की नली का रुख मोड़ दो इससे गोली नहीं चलाना हम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए अजी हमें मालूम था कि आप बड़े हरामी हैं लेकिन हम भी कम नहीं इसीलिए हम नकली डायरी लाए थे नकली तो फिर असली कहाँ है उन कुकड़ बोले यानी मुर्गा असली डायरी है हरबंस कौर के पास और अगर हम वापस नहीं पहुंचे तो हमारी परजाई पहुंच जाएगी पुलिस स्टेशन और तुम सबका हो जाएगा कुकड़ू तुम चाहते क्या हो जी पार्टनरशिप ओए 50-50 आधा आधा न कम न ज्यादा क्या है इरादा इरादा नेक है ठाकुर साहब आपने जिंदगी में बहुत माल कमाया है और कमाएंगे लेकिन ऐसे अच्छे लोग यहाँ बार बार नहीं आएंगे और जब आ ही गए हैं तो अब ये लोग जब आ ही गए तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे कुछ ना कुछ इनकी खातिर मदारा तो करनी पड़ेगी लो सरदार जी हो गया हमारा तुम्हारा मेल हो गया मेल एट ए फ्रंटियर मेल हो गया फ्रंटियर मेल ओए चुकू चुकू ओए चुकू चुकू ओए चुकू चुकू सुनो सतपाल जी जा पापे यारों के हम यार हैं वो तुझे कैसे भूले तेरे तलबगार हैं सुनो सतपाल जी ओ बोलो जसपाल जी सत्री अकाल जी समझे पापे ओ सुनो सतपाल जी ओ बोलो जसपाल जी ओ सस्री अकाल जी ओ गले लग जा पापे यारों के हम यार हैं ओ तुझे कैसे भूले तेरे तलबगार हैं Thank you.
देखो जरा ओए बार बार देखो, बार बार देखो वफादार देखो, वफादार हैं हम बेकरार देखो, मेरी नींद मेरा चैन मेरी जान मेरा दिल सब कुछ तेरे पास है। सदके जावा ओए सुनो सतपाल जी, बोलो जसपाल जी, सत श्री अकाल जी, गले लग जा पापे यारों के हम यार हैं, वो तुझे कैसे भूले तेरे तलबगार हैं। सुनो सतपाल जी, बोलो जसपाल जी, जिसको आपने तवायफ का बेटा बना दिया था चाचा जी, इंस्पेक्टर विजय जो अब तक जिंदा है। कहां है खजाने का नक्शा जो तुमने मेरे लॉकेट से निकाला था? कौन सा नक्शा? कौन सा नक्शा? मेरे पास नहीं कुछ भी। शंकर, शंकर? हाँ, दीवान सरदारीलाल का असली बेटा। असली बेटा? खजाने का आधा नक्शा मिल गया शंकर। बोल, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? कमीने, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? शंकर, छोड़ दे मेरे डैडी को, वरना। नक्शा लाओ, लाओ मैं कहता हूँ। नहीं, लाओ। नहीं, लाओ। क्या आप खजाने को अपने हाथ से गवाना चाहते हैं? क्या मतलब? ठाकुर साहब, आप शंकर की याददाश्त को नहीं जानते। एक बार वो जिस चीज को देख लेता है वो उसके दिमाग में छप जाती है। आप इस नक्शे की फट जाने की फिक्र मत कीजिए। सवाल ये है कि इस नक्शे का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है? जब तक वो हिस्सा नहीं मिल जाता खजाने का पता नहीं चल सकता, और खजाने को हासिल करने के लिए शंकर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा मतलब है कि खजाने का नक्शा जो दो हिस्सों में बटा हुआ था वो इसके दिमाग में है, और अगर वो इसके दिमाग में है तो उसे हमें कागज पर उतारना अच्छी तरह आता है। ठाकुर, तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम मेरी जान ले लो। अरे नहीं जान, तुम्हारी जान हम क्यों लेंगे? तुम्हारी जान तो हमारे लिए बहुत कीमती है। जान तो हम उसकी लेंगे जो हमारे लिए बेकार है, तुम्हारा बाप। और जान लेने से पहले हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे यहां जान किस स्टाइल से ली जाती है। बताएं। जूलियन, अब बोल, नक्शा देता है या मैं तेरे बाप को कुर्सी दूं? भीमा, ठाकुर साहब, आपको खजाने का नक्शा चाहिए ना? मैं दिलवाता हूं। शंकर, शंकर कोई खजाना जिंदगी से बड़ा नहीं होता। तू इन्हें नक्शा बनाकर दे दे। नहीं राजा, तू नहीं समझता। मैं सब समझता हूं। मुझसे पूछ, मुझसे पूछ, मां बाप की कीमत क्या होती है।
मेरा दिल वो तड़प जानता है जो माँ बाप के बिना महसूस होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, खजाने के लिए तू ये माँ बाप जैसी अनमोल मोहब्बत को मत गवा। दीवान साहब के लिए ये खजाना तो क्या मैं दुनिया भर का खजाना कुर्बान कर देता। ये खजाना हमारे पास किसी की अमानत है। किसकी अमानत है? किसकी? मेरी ना। मैं ही इस खजाने का असली वारिस हूं ना। तुम? मैं आपसे कहता हूं कि खजाना ठाकुर साहब को दे दीजिए। तुम राजकुमार हो? राजकुमार नहीं दीवान साहब, बेटा कहिए बेटा। अपनी वफादारी का इतना बड़ा बोझ मेरी आत्मा पर मत डालिए कि बिना कुछ कहे मैं पापी और मुजरिम बन जाऊं। मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार मत बनाइए दीवान साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं राजकुमार अनिल होने के नाते आपको हुक्म देता हूं, ठाकुर साहब को खजाना दे दीजिए। दे दीजिए खजाना ठाकुर साहब को। ठीक है ठाकुर साहब, मैं नक्शा बना देता हूं। दैट्स इट, लो बनाओ। ला दे इधर। सूरज, सूरज ये देख, ये देख, ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें सीधे करोड़ों के खजानों को जाती हैं। शालू, हमारा मुकद्दर हमारे हाथ में है, हमारा मुकद्दर हमारे हाथ में है। आइए दीवान साहब। नहीं, नहीं, दीवान जी नहीं जाएंगे। ठाकुर, क्या सबूत है कि यह नक्शा खजाने तक जाता है? और जब तक नहीं जाता तब तक दीवान जी हमारे पास जमानत के तौर पर रहेंगे। दीवान, ले जाओ इन्हें। सूरज, मैं जानता हूं डैडी मुझे क्या करना है। आप चाहिए झलकना। ठाकुर साहब। चलो। जी हां, मैं आज तक मैं नहीं, मेरी मजबूरी आपकी नीचता का साथ देती रही, मेरी बेबसी कठपुतली बनकर आपके इशारों पर नाचती रही। लेकिन आज आज मैं आप सबको मौत का नाच नचाऊंगी। अगर आपने इन सबको नहीं छोड़ा और नक्शा वापस नहीं किया तो आपका ये सूरज अभी दिन में ही डूब जाएगा। नहीं, नहीं, चलो नहीं, मेरे मेरे बेटे को मत मारो। तुम्हें चाहिए तो मैं नक्शा दे देता हूं। चलो, ये कदार चाहिए टेडी। इस नाचने वाली को तो मैं नचाऊंगा। ओके पास। जूनियर, जगह का नाम और निशान मिटा दो। चारों तरफ डायनामाइट लगा दो। जल्दी शंकर तुम जाओ, दीवान जी को ठाकुर उस तरफ ले गया। तुम जाओ।
चलो चलो हाँ, यही है वो जगह। इसे घुमाओ। ये हाँ। ए, घुमा इसको। चल चल। हाँ सब नहीं। तुम लोग यहां ख्याल रखो, फिर पांच आदमी मेरे साथ आओ। से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूं, तुम यहां छुपे बैठे हो, मैं तुम सबको ले जाऊंगा, तुम सबको। ए, एक काम करो, जल्दी से वो पेटियां खोलो। अरे जल्दी हम लोग इतना खजाना लेकर क्या करेंगे? ये खजाना मेरा है, मेरा अकेले का। इसको यहां से कोई नहीं ले जा सकता। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? अरे दीवान जी, आप तो इनाम के हकदार हैं, हम आपको इनाम जरूर देंगे। इस रिवॉल्वर में एक गोली अभी और बाकी है, आपकी मौत के लिए। मौत तो अब तेरी होगी ठाकुर, मैंने तुझे सिर्फ अंदर आने का रास्ता बताया है, बाहर जाने का नहीं। ये देख, अब चला गोली, खत्म कर दे मुझे। ये सारा खजाना तेरा है ना, ले जा ले जा। ये दरवाजा नहीं खुलेगा ठाकुर, जब तक मैं नहीं चाहूं। अरे नहीं दीवान जी, मैं आपको ये सारा खजाना, नहीं नहीं सारा नहीं, आधा खजाना दे दूंगा, ये सब आपको दे दूंगा, आप मुझे सिर्फ बाहर जाने का रास्ता बताइए। नहीं ठाकुर, ये रास्ता तूने खुद चुना है, और यहाँ आके अब तेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अरे नहीं दीवान, तूने भी मेरे लिए सब रास्ते बंद किए थे,
20 साल तक मुझे अंधेरी कोठरी में भूखा रखा, गलती हो गई, प्यासा रखा। अब तू भी अपनी भूख मिटा, इन हीरों को खाकर, इन मोतियों को चबा चबा कर ये हीरे खा। जाने का रास्ता बताता है कि नहीं? बोल, बताता है कि नहीं? नहीं, नहीं बताएगा? बोल, बोल, नहीं, बोल, बताता है कि नहीं? अरे चल चल, चलिए पिताजी चल। चलो अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बोल फेंक दो। अरे छोड़ बंदूक है, जितनी जल्दी हो सके खजाना लेके चल। अरे चल, चल, चल। उठा उठा, अरे उठा ना, अरे तेरा थकान है। जल्दी राजा कहां से आ गया? चल 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 चल। राजकुमार संभालो अपनी अमानत, तुम्हारे दादाजी इसे गरीबों की भलाई के लिए खर्च करना चाहते थे। तो इसे मैं क्यों संभालूं? आप इसे दादाजी की इच्छा पूरी कीजिए और मुझे
अपनी इच्छा पूरी करने दीजिए। अरे बेटे ये क्या कर रहे हो? देखा लक्ष्मी कैसा शुभ दिन आ गया, सब मिल गए। इससे अच्छा शुभ दिन तो तब आएगा जब हम अपने सब बच्चों की शादी कराएंगे। सच मां तेरी भी। शंकर का भैया कमाल देखो।